आस करूंगा, ख्वाहिश और नफ्स के एक ही चीज है या दो ये अलग चीज है कि एक चीज दूसरे को ड्राइव की दूसरे की ड्राइविंग फोर्स है? اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. देखिए नफ्स जो है बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान के बदन के अंदर रख दिया गया. ये बहुत कह सकते हैं आपके बहुत ही लतीफ़ जिस्म कहलाता है, बहुत ही लतीफ़ बारीक चीज़ कहलाती है. इसको समझने के लिए हम यूँ कह सकते हैं जैसे हमारे जिस्म में एक रूह रखी गई है जी. रूह भी एक लतीफ़ चीज़ है. इसी तरह नफ्स भी जो है वो एक लतीफ़ चीज़ है जो हमारे जिस्म में मौजूद है. अलबत्ता इन दोनों के काम अलग अलग हैं. रूह अच्छे अखलाक, अच्छी आदत, अच्छी सोच, अच्छी नज़र व फ़िक्र और जिसे हम कहते हैं अखलाक हसना, उनका महल रूह होती है. यानी वो रूह से रिलेटेड चीज़ें हैं. और नफ्स से मुतालिक जो चीज़ें होती हैं वो बुरे अखलाक, बुरी आदत, बुरी सोच और जितनी भी अखलाक मज़मूमा कहलाते हैं वो नफ्स से रिलेटेड हैं या उससे मुतालिक हैं. अच्छा, अब ये जो ख्वाहिशात की बात आती है इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा नफ्स की भी दो तीन किस्में कुरान ने बयान की हैं, क्योंकि ख्वाहिशात का भी फिर उन्हीं से ताल्लुक़ होता है. पहली जो नफ्स की जो किस्म बयान की है वो है नफ्स अम्मारा. अच्छा, नफ्स अम्मारा जैसे कुरान में ज़िक्र भी हुआ, वमा उबर्रु नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू. नफ्स अम्मारा वो होता है जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है, जो इंसान को बुरी ख्वाहिशात की तरफ लेकर जाता है. ख्वाहिशात बुरी नहीं है, ख्वाहिशात के अंदर आपका इंतखाब देखना होता है कि वो इंतखाब अच्छा है या बुरा है. क्योंकि ख्वाहिशात से हमारी मुराद ये भी हो सकती है कि अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, आप तलब करते हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह की ये नेमत मुझे मिले, लेकिन अब देखना ये है कि वो नेमत जिस रास्ते से आप हासिल करना चाहते हैं वो रास्ता दुरुस्त है या गलत है. ठीक है, उसका इंतखाब यानी वो देखना होता है. अब अगर उसका इंतखाब गलत तरीके से होगा या उसका इंतखाब गलत अंदाज से होगा तो फिर हम उसको कहते हैं कि भाई इस ये जो चीज़ है ये नफ्स अम्मारा है, कि नफ्स अम्मारा आपको बुरी चीज़ के बारे में हुक्म देता है. अच्छा, जो दूसरा नफ्स के जो दूसरे नफ्स की सूरत है या जो दूसरे नफ्स की किस्म कुरान में बयान हुई वो है नफ्स लवामा. कुरान में उसका भी तज़किरा आया, वला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा. अच्छा, नफ्स लवामा क्या होता है? नफ्स लवामा फुकहा ने लिखा ये दिल के नूर से रोशन होता है. यानी होता ये है कि जब भी इंसान कोई गलत काम करने लगता है तो नफ्स लवामा का मतलब ये कि वो उसे मुलामत करता है, सही है, वो उसे रोकने लग जाता है, वो उसे बुरे काम से पीछे हटाने लग जाता है. नफ्स लवामा की थोड़ी सी अगर हम वजाहत में चले जाएँ, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब क़यामत का दिन आएगा तो हर नफ्स अपने आप को मुलामत करेगा. यानी जो नेक शख्स है वो भी मुलामत कर रहा होगा. उसके मुलामत करने का मतलब ये होगा कि मैं और ज़्यादा नेकियां कर लेता. अच्छा, और जो बुरा है वो तो मुलामत करेगा ही करेगा कि मैंने किस तरह से दुनिया में गलत काम करके आज अपने आप को हलाकत के अंदर डाल दिया. बिल्कुल, इसी तरीके से नफ्स लवामा की एक वजाहत ये भी फरमाई कि इससे मुराद नफूस मुत्तकिया हैं. यानी जो मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं उनके जो नफूस होते हैं वो नफूस लवामा कहलाते हैं. यानी वो अपने आप को मुलामत में रखते हैं और बिलखसूस क़यामत वाले दिन वो बुरे लोगों को मुलामत करेंगे कि दुनिया में ये गलत काम क्यों किया था तुमने. इसी तरह एक इसकी तफसीर और वजाहत आती है नफूस शरीफा, यानी वो नफूस कि जो हमेशा अपने आप को मुलामत करते हैं. अच्छा देखिए, ये एक ऐसी मंजिल है कि बाज़ दफ़ा आप अच्छा काम भी कर रहे होते हैं और शैतान क्या करता है कि उस अच्छे काम में भी खलल डाल देता है. बिल्कुल, तो इसलिए जो नफूस शरीफा होते हैं यानी वो कि जो अपने आप को हमेशा जो है वो टच करते हैं और चेक करते रहते हैं कि कहीं हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं,
तो वो अच्छा काम करते हुए भी अपने आप को मलामत करते हैं और वो मुकम्मल तौर पर मुतमाइन नहीं होते हैं कि हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि हम ये समझे कि हम कामिल व अकमल हैं। क्योंकि जब बंदा अपने आप को कामिल व अकमल समझने लगता है तो फिर शैतान उसे बहकाने आ जाता है। एक मिसाल से समझें, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे, तो आपको एक बादल आता है आसमान से, उसमें से आवाज़ आती है कि आपने अपनी इबादत मुकम्मल कर ली है लिहाजा अब आपको इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने फौरन सोचा कि मुझसे पहले अंबिया गुजरे, किसी नबी को भी ये नहीं कहा गया, मुझे ये कैसे कह दिया गया। यानी ये है कामिल व अकमल, हमेशा अपने आप को जो है वो टच करना और चेक करना। हाँ। आपने फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो जिससे फौरन आपने देखा कि वो बादल फट जाता है और वो शैतान होता है जो उन्हें बहकाने के लिए आ जाता है। और फिर शैतान फौरन दूसरा हमला करता है, कहता है आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो आपने फौरन कहा नहीं, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, ये तुम्हारा दूसरा हमला है, मुझे मेरे रब ने बचाया है।